मैंने ट्वीट किया टिपिंग कल्चर के बारे में एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो फ्लाइंग वीडियो बना रहे हैं उसपे हुआ है ऐसे मेरा फोटो डाला हुआ हुआ है है क्रॉस लिखा और लिखा चिंती यूट्यूबर अच्छे पैसे ना उस ट्वीट से आई वॉज मेकिंग मोर देन द हाईस्ट पैकेज ऑफ माई कॉलेज फॉर एग्जाम्पल अभी भी चार्ज एनीवेयर बिटवीन टू टू फाइव थाउजेंड डॉलर्स अ मंथ फॉर वॉट वी ऑफर हंड्रेड डॉलर पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है जिसको आप बेच रहे हो पाँच सौ लोगों को बेच रहे हो तो यू हैव फिफ्टी थाउजेंड डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू एवरी मंथ दैट इज सिक्स हंड्रेड थाउजेंड डॉर ऑफ रेवेन्यू एवरी ईयर राइट अगर आप इसको बेचने जाओ इस कंपनी को कहीं पर भी एनीवेयर बिटवीन वन पॉइंट एट टू थ्री मिलियन डॉलर्स राइट दट इज दैट इज ईजिली ट्वेंटी करोड़ So you go from making $20 an hour as a freelancer to making 20 crores in 10 years by actually implementing and going through this whole cycle. Shana's has evolved. evolved. <laughs> <laughs> Shana evolves <laughs> every 30 days. Every every six, six, six months. <laughs> <laughs> Evolution. Bro is 20 year 20-year-old 20 from last three years. So why do you make the, these clickbaity thumbnails? Make this much money as a 20-year-old, make this much I achieved this as a 20-year-old. Anyone have time, sir? It's hmm. been a while. And That's I why to not do why that you thing. were doing it earlier. It was naivity. Hmm. Learned, I grew, I made a mistake. Hi, Shan. Welcome to reality. Yeah, thank you for inviting. कैसे हो आप? एकदम बढ़िया. So अभी जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे. You just came back from US. Yes. So क्या-क्या नई learnings वहाँ से ले कराए हो? US की यार सबसे बड़ी learning जो मुझे लगती है is the fact that वहाँ पे लोगों की एक life है outside of work and वो wo लोग uh, they are they are more ऑल राउंडर हैं वो मतलब टू 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 सेट सिंपली लेट हम लोग फोकस करते रहते हैं कैसे मैं इस परफेक्शन ले आऊँ एन ऑल विच इज़ गुड बट लाइक लाइफ इज मोर देन जस्ट जस्ट दैट वन सेगमेंट जैसे कोडर बन गए या फिर डिजाइनर बन गए एन ऑल mm -hmm. वहाँ पे लोग वीकेंड में बढ़िया गार्डनिंग कर रहे हैं हाइकिंग पे जा रहे हैं पिकल बॉल खेल रहे हैं तो दैट इज गुड मतलब दैट इज़ अ न्यू परस्पेक्टिव दैट आई गॉट फ्रॉम फ्रॉम दैट एंड देर ऑल्सो वेरी क्लियर लाइक इन इन लाइफ एंड द वेरी अपफ्रंट मतलब कुछ करना है तो दिल से अपट राइट And uh, like they don't mince their words कि अच्छा देखते हैं we'll come back इसे mm -hmm. so, यहाँ पे बोलते हैं ना बहुत बार कि अच्छा देखते हैं या होगा या नहीं होगा but they are very straightforward तो so, I think that is the best part about about uh, me going there and learning and meeting people so recently we were seeing your viral podcast and sabse pehle hum ye janna hai ki us 35 lakh ka breakdown कैसे they don't believe stuff right so I realized this one thing ki most people in India are not ready for truth

ठीक तो है इवन इफ वी अग्री की सोशल मीडिया पे हर चीज थोड़ी सी शुगर कोटेड हो जाती है थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो इवन इफ अगर को कह रहे हो उसने दस लाख कमाया था और उसने आठ कमाए होंगे तो मुझसे वो सीख लो, राइट? Yeah, exactly. right? की उसने इतने कैसे कमाए हैं बट वही जब आपका एक थोड़ा लूजर माइंडेड होता है हमको बचपन से ही ऐसा होता है जैसे इवन आ, पेरेंट्स के साथ भी अगर कोई किसी और के पेरेंट्स आके बोल दे कि हमारे बच्चे के तो इतने नंबर आए तो यू you नो know, आर पेरेंट्स चले सारे झूठ बोल रहे होंगे इतने नहीं आए होंगे yeah. ये तो ये थोड़ा उसी से हो जाता है बट एनीवेज वेज एज आई सेट दैट खुद सेट ऑफ पीपल रियली गेट इंप्रेस्ड बाय दिस सो स्टिल आई वुड वॉन्ट यू टू ब्रेक इट डाउन ब्रेक इट डाउन मतलब सो बेसिकली द नंबर दैट आई शेयर वॉज अबाउट वॉज फॉर माई चैनल एंड माई एजेंसी

तो मेरे को तो लगता है कि मैं सेल्फ़ अकाउंटेबल हूँ तो जैसे होता है ना हम लोग किसी क्लास में बैठे होते हैं एग्ज़ाम कॉलेज में होते हैं तो हमारे ऊपर कोई रहता है डंडा ले खड़ा होता है कि ये किया कि नहीं किया ये हुआ कि नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कब होगा तो जब तक आप वो माइंडसेट में रहोगे तो आप कभी आगे ग्रो नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में क्योंकि आपको हमेशा फिर उसकी आदत हो जाएगी कोई सर पे अगर खड़ा नहीं होगा तो आप काम नहीं काम नहीं करोगे एंड right? वही होता है ना कि लोग पीपल आर वो जो मीम है कि प्रोक्रेसनेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट एंड फिर लास्ट मोमेंट में, में आके पढ़ाई करना शुरू करते हैं hmm. धरती धकेल जिसको बोलते हैं hmm. <laughs> तो आप अगर वो हो तो आप आगे आगे लाइफ में खुद के साथ कुछ अपनी चीज़ स्टार्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने वो चीज़ का भी एक्सपीरियंस ही नहीं करी है कि आप कैसे खुद के हाउ डू यू बिकम योर ओन बॉस

जब मैंने स्टार्ट किया तो आई फाइनली सॉ द रिजल्ट राइट अभी साढ़े चार साल हो गए हैं पंद्रह सौ वीडियो हो गई YouTube पर सो यू जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी अकाउंटेबल सो आपका भी सपना वैसे आई जाने का होगा था ना पहले था सो हाँ. so, वो फर्स्ट फेलियर होगा शायद लाइफ का जो थोड़ा जिसको that बड़ा बिगेस्ट हाँ, जिसको बड़ा मान सकते हैं सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट मेरे को ना आई एम नॉट यूज टू हियरिंग अ नो एंड वेन आई बिकॉज आई आई बीन अ वेरी ऐसे studious स्टूडियस बच्चा पूरे टाइम काम करते रहता था लाइक पापा बोलते थे कि यू नो पढ़ाई करो फिर लैपटॉप ला के दूंगा या पढ़ाई करो फिर साइकिल ला के दूंगा तो आई वर्क that दैट एंड आई यूज टू it इट मैं करूँगा टेबल ट्वेंटी तक याद करने तो करूंगा to टू गेट वॉट आई वॉन्ट राइट आई डि नॉट गेट इन टू एन आई आई टी दैट हिट मी हार्ड एंड दैट मेड मी रियलाइज अच्छा मुझे अब कुछ करना पड़ेगा जिससे कि मेरे को लोग मेरे कॉलेज से ना जाने आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग दैट पीपल एसोसिएट मी विद दैट

है जो आपको पसंद नहीं आया जब आपको एक मोटिवेशन मिली कि नहीं मेरे को कुछ बहुत एक्सेप्शनल करना है में. College, कि जो चीज पर मैं दो साल से काम कर रहा हूँ मुझे इसको फुल टाइम करना है एंड uh, मैंने अपने प्रोफेसर से जा कर के बात करी मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करी कि मुझे ये करने दो आई वॉन्ट टू Set up a studio like this outside of my campus, so that I can peacefully kar here. And you realize the importance of it because you're doing this. Mm. And I will come for the college and the practicals and the lectures that happen. And she said we cannot do that. So I prioritized my work over the over the, the college because. So you I, were making some money at that time. I was making money at that time. Yeah. How much? I was making uh, basically. I was making more than the highest package of my college. And so, okay. but that was not as important as. द ट्रस्ट आई हैड ऑन वॉट आई वॉज डूइंग राइट आई जस्ट हैव दिस कन्विक्शन की मुझे दो हजार बीस में छ महीने लगे टू गेट टू माई फर्स्ट थाउजेंड सब्सक्राइबर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में हर दिन आई वॉज गेनिंग थाउजेंड सब्सक्राइबर्स सो छ महीने से एक दिन दैट इज अक्सपोनेंशियल जम्प इन ग्रोथ एंड दिस इज द ग्राफ विच कॉट मी द कन्क्शन कि भाई मुझे इस पे ऑल ऑल इन जाना चाहिए राइट अगर ऑब्वियसली पैसे इज इंपॉर्टेंट एन एवरीथिंग बट वो जो ग्रोथ है मैंने उस पर विश्वास करके मैंने बोला कि आई विल गो ऑल इन विद एंड सो लेट्स टू स्टार्टी आई थिंक आपको start करने से पहले खुद काम करना चाहिए as an hmm. And आपको किसी के अंडर काम करके यू शुड लर्न एवरी थिंग राइट सो देर इज ग्रेट बेनिफिट इन लर्निंग from under someone who is experienced okay but let's start it from even more basic that uh, if i want to start a business and i'm planning ki ek agency model start karte hain so bahut sare alag alag niches hai so how to firstly select that i should open a video editing agency or graphic designing or kis mein zyada scope hai जो एक values chain होती है right? कोई भी चीज़ की in marketing in business आपको समझनी होगी आप जितना pass हो गए to the कस्टमर फॉर द बिजनेस आपको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा राइट hmm. right? तो आपका जितना डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ऑन अक्वायरिंग दैट कस्टमर फॉर दैट बिजनेस आपको उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा उसके लिए राइट okay. right? आप जितना दूर हो गए उससे hmm. आप जितना ग्रंट uh, वर्क कर रहे होगे आपको उतना कम इम्पैक्ट आप कर पाओगे एंड बी पेड अकॉर्डिंगली राइट तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के लिए बैठ के डेटा सेंटर में टैक्स एंटर कर रहे हो एक्सेल शीट में तो दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी लो इंपैक्ट वर्क यू विल गेट पेड लो लो वेजेस फॉर दैट बट आप किसी के लिए अगर वीडियोस बना रहे हो जिससे जिससे दे विल हैव हैवर आई बॉल्स उनका टॉप ऑफ द फनल बढ़ेगा तो यू विल गेट मोर गेट पेड मोर फॉर दैट उसके बाद आप किसी के लिए क्लाइंट एक्विजिशन में हेल्प कर रहे हो लीड जनरेशन कर रहे हो तो यू विल गेट पेड फॉर दैट इवन मोर अगर आप किसी के लिए क्लाइंट क्लोज कर रहे हो बैठ के इट इज़ अ हाई टिकट क्लाइंट यू विल गेट पेड इवन मोर फॉर दैट राइट सो इट्स गेम यू हैच इज मोर वैल्यूबल फॉर दिन यूर ऑफरिंग राइट अगर आप बेसिकली किसी भी बी टू बी एजेंसी को देखोगे तो दे मेक देयर मोस्ट मनी इन ब्रांडिंग आपने लोगों देखे राइट टेपैल right? hmm. का लोगो चेंज हुआ आपने पेप्सी का लोगो चेंज होते हुए देखा वो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं लोगों के अंदर जिसके लिए जो एजेंसीज होती हैं वो एक मिलियन दो मिलियन पाँच पाँच मिलियन चार्ज करती हैं वो क्यों करती हैं सिटी बैंक का लोगो चेंज हुआ वो क्यों हुआ बिकॉज वो इम्पैक्ट उस कंपनी पर इतना ज़्यादा पड़ सकता है कि यू कैन आस्क दैट नंबर राइट सो इट्स ऑल अबाउट दैट लॉयर्स मेक सो मच मनी वाई इज दैट बिकॉज जो वो रिजल्ट ला दे रहे हैं दैट इज ह्यूज दैट विल सेव अप मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर सो दे पे अ पीस ऑफ दैट पाए सो यू हैव टू फिगर आउट दैट आप कितने पास हो उस, उस चेन से बेस्ट फिर डू दैट इज टू बी इन्वॉल्व इन लीड जनरेशन एंड क्लोजिंग द क्लाइंट ओके सो दो मेक द मोस्ट अमाउ मनी बट एट द एंड ओनली वे टू मेक बिक मनी इज टू बिल्ड प्रोडक्ट विच कैन स्केल इन डेफिनेटली राइट right? सो so, आप शुरू करते हो विद बीइंग अ फ्रीलांसर देन यू बिकम अ मैनेजर इन सम एजेंसी फिर आप दो तो चार साल वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करके केस स्टडीज बना के अपनी खुद की एजेंसी करते हो सेटअप जिसमें आप काम करते हो यू अगेन क्रिएट केस स्टडीज एंड देन यू बिकम द ओनर राइट तो फिर mm -hmm. आप ग्रेजुअली यू बिकम समन टर्निंग देअर एजेंसी इन अ प्रोडक्ट तो देन यू प्रोडक्टाइज योर सर्विस आई हैव नॉट डन दैट आई एम वर्किंग ऑन दैट सो आप अगेन दैट इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम बिकॉज अब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो दैट पीपल कैन लोअर टिकट जैसे अभी वी चार्ज एनवी बिटवीन टू टू थाउजेंडर वी ऑफर बट द अदर वे इन विच वेक इट एज चीप एज हंड्रेडर एग्जाम्पल आपकी एजेंसी में क्या प्रोडक्ट हो सकता है हमारी एजेंसी में प्रोडक्ट हो सकता है कि इमेजिन करो आप बेसिक एक चैट बॉक्स है आपने वहाँ पर अपना एक यूट्यूब का चैनल का लिंक डाल दिया एंड दैट्स इट एंड आपने बताया कि मुझे ग्रो करना है चैनल एंड अच्छा। वो जो चैटबॉट होगा वो आपके चैनल पे जाएगा आपके पूरे चैनल को आ, स्क्रेप करेगा समझेगा कि कितने व्यूज़ हैं कितने सब्सक्राइबर्स हैं कितनी ग्रोथ हुई है इन द पास्ट कौन से वीडियोस बना रहे हैं क्या टॉपिक पे बना रहे हैं वो जो कंपनी है उसके क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको जाके सर्च करेगा यूट्यूब पे गूगल पे और वो चेक करेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट वीडियो आइडियाज हैं जो आप बना सकते हो आपने बनाया कि नहीं बनाए हैं एंड बनाए हैं तो उसमें कितने व्यूज हैं कितने उसमें इंगेजमेंट आया है एंड आपके लिए एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के देगा आपको hmm. कि अच्छा आपने ये किया है अभी तक आपने ये नहीं किया अभी तक आप ये ट्राई कर सकते हो आगे एंड दिस इज हाउ एंड फिर उसके बाद आपको हेल्प करेगा टू डू दैट इज वेल सो दिस इज अजेंटिक वर्क फ्लो राइट एजेंट्स जो होते हैं चार जी से आप एजेंट बना सकते हो एंड सो दैट इज बेसिकली वॉट वी ऑल्सो डून इन द एजेंसी बट अब हम इसको स्केल कर सकते हैं इनडेफिनेटली बिकॉज दिस इज नाउट है चैट बॉट तो दट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू टू टर्न वॉट वी डू इन टू अवर प्रोडक्ट एंड वी कैन चारंडार्ट ऑडिट एंड पीपल वुड है फाइनल स्टेज आफ्टर दैट इज टू सेल योर कम्पनी राइट मैंने बताया अगर आपका हंड्रेड डॉलर पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है जिसको आप बेच रहे हो पचास लोगों सौ लोगों को लैसेस से तो यू 500 सौ लोगों को बेच रो से तो यू हैव ऑफ रेवेन्यू एवरी दैट इज सिक्स हंड्रेड थाउजेंड ऑफ रेवेन्यू एवरी ईयर राइट अगर आप इसको बेचने जाओ कहीं पे भी तो इसका बहुत आसानी से आपको थ्री टू फाइव एक्स मल्टीपल मिल सकता है टू सेल दिच इज एनीर बिटवीन वन पॉइंट एट टू थ्री मिलियन डॉलर्स राइट इज इजिल्वेंटी करोड़ सो यू गो मेकिंग ट्वेंटी डॉर्स एन आर एज अ फ्रीलांसर टू मेकिंग ट्वेंटी करोड इन टेन एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग एंड गोइंगल Uh... अच्छा लगा समझ नाइस। <laughs> इसको वापस देखना एक बार जाकर मैंने क्या बोला राइट एंडस्टैंड अच्छा। होता है बहुत लोग करते हैं आप ट्विटर पे जाकर देखोगे सर्च करो बिल्ड इन पब्लिक है आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ सर्च बिल्ड ऑन पब्लिक एंड यू विल फाइंड जिन्होंने खुद से ये चीजें बनाई है उसको बेचा भी है

सेम 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 वो कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना मेरे को बहुत बड़ा काम लगता था बट ऑल ऑफ दिसम्स हाँ इवन दैट सीम्स लाइक यू डूइंग नथिंग बिकॉज आपको अच्छा लगना चाहिए फॉर एग्जाम्पल देव आर सर्टन क्लासेज विच आई यूज टू टेक एंड वो पढ़ के आई यूज यूज टू फील की मतलब आवर्स पास बाय एंड फीस लाइक मिनट्स दिस वाज नॉट माई केस स्कूल में आग लग जाए कुछ हो जाए मुझे कोई भी सब्जेक्ट मुझे एग्जाम नहीं देना था तो इसलिए यूएस में, में मैंने एक बहुत ह्यूज डिफरेंस देखा वहाँ की पढ़ाई बहुत ईजी थी वहां पर तो आई वॉज द टॉपर ऑफ द क्लास बिकॉज इंडिया में जो हमको इतना लेट

<laughs> इंडियंस और स्मार्टर यार इन पढ़ाई वाले एस्पेक्ट में अगर मैं बताऊँ ना तो वो लोग मैं तो

they are basically being uh, uh, they are basically being cheered for getting an eighth position in a in a mm -hmm. competition uh, maybe that's good uh, I'm not saying it's not good but uh, uh, indians are smarter in that aspect i would say okay so calm you do zero hours <laughs> <laughs> so we both are of exactly same age you 23 right 23 just run 23 take so I which comments bro is isn't in, in 23 from last four five years reel i you're in your 20s meeting people traveling the world mm -hmm. without any liabilities and having fun so like obviously that is also a big problem mm -hmm. you should not be like that people think I am a forever 20 mm -hmm. uh, which is which is good but it it's also bad because like you, if you want to build a big business in B2B, you have to look serious. And love, I'm saying this because I go to Mumbai to acquire and onboard fintech clients and finance companies, and they they look at me and they're like, "Hey, I guess thodi mm. khri denge, khri right? mm. uh, And that is because they, they are all like grey hair, low right? They're all 40, 50 plus. Um, mm, fat stomach, grey hair, or ये Fat? up to them. But obviously, they up have the wisdom. Their, they, I have I realized they have this. Uh,

बहुत जल्दी हो जाता है मेरे को लगता है ऐसा मेरे साथ विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेट बाई गॉड्स ग्रेस दैट इज हैपनिंग बट आई लाइक स्टॉप पुटिंग माइल स्टोन्स आई जस्ट वर्क एंड आई नो दैट मुझे इस महीने ये करना है अगले महीने ये करना है इस क्वार्टर में ये करना है बट दैट इज इट मतलब आई डोंट हैव लाइक अ टेन ईयर लॉन्ग गोल अच्छा मुझे ऐसा कुछ उखाड़ना है ऐसा कुछ हम लोग बहुत ही सीरियसली खुद को ले लेते हैं जैसे हम ये करेंगे तो पूरी दुनिया को extreme people कि, अच्छा मुझे कुछ करना है मैडम किसी को बताऊंगा नहीं <laughs> <laughs> अगर मैंने किसी को बता दिया तो फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं हाँ, होता भाई ऐसा नहीं होता <laughs> <laughs> so नजर इज़ नॉट रियल मुझको लगता है ये सब दैट्स जस्ट योर माइंड प्लस ही वो इफेक्ट होता है वो कि अब mm -hmm. मैंने किसी को बोल दिया अब तो कुछ बुरा होगा ही किसी mm -hmm. की नज़र लग जाएगी आपको करना हो तो आप कर लोगे मतलब mm -hmm. मेरे ऊपर लाइक like, आप मैं दो साल से ट्व ट्विटर पे लोग क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं ऑल डज अफेक्ट मी एट ऑल राइट लाइक आई वॉज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर इन नवम्बर ऑफ ट्वेंटी बिकॉज ऑफ लाइक माई थ्रेडन एंड हाउ पीपल डि नॉट लाइक इट बट दैट डेंट स्टॉप मी राइट लाइक वहाँ पे कितने लाखों भी मैंने ट्वीट किया था अबाउट टिपिंग कल्चर इन यूएस तो तो 52 मिलियन लोगों की नजर लगी क्या हुआ उससे अच्छे पैसे ना उस ट्वीट से लाइक आई थिंक पीपल शुड जस्ट स्टार्ट पुटिंग पॉडकास्ट ऑन ट्विटर ऑफ़ डूइंग इट है सब कुछ मिलता है mm -hmm. आपको सच में, में, अगर आपको बहुत बड़े लोगों से मिलना है उसका एक सीक्रेट थर्ड डोर जो होता है ना राइट फर्स्ट डोर तो क्या है आप आप अपनी जॉब करो आप लेवल अप करो लैडर जो होती है कॉपरेट लैडर दस बीस तीस साल में यूल बी वर्किंग अंडर सम बिलियन एयर या किसी बड़े इंसान के काम कर रहे होगे अदर अदर गोल दैट अदर वे दैट यू हैव इज द थर्ड डोर विच इज टू एक्चुअली बी ऑन ट्विटर एंड टू जस्ट ट्वीट एंड एंड बिल्ड पब्लिक शेयर थिंग्स इन पब्लिक बी वेरी एक्टिव इन सडन सर्कल्स राइट तो मेरे को ये अलग दुनिया देखने को मिली आई वेंट टू एस वहाँ पे लाइक नो वन इज एक्टिव ऑन ट्विटर मतलब लिंकड इन यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं है लोग इंस्टाग्राम पे भी नहीं है द जस्ट ऑन ट्विटर दे लाइक ट्वीटिंग रिप्लाइंग एवरी डे एंड लाइक यू कैन मीट एनी वन कोई भी कोई भी रिप्लाई कर देगा आपको एंड यू नेक्स्ट थिंग यू नो टू मोरो यू सिटिंग विद समन वज बिल्टअ हंड्रेड कंपनी इन सोल्ड टू समन एल्स एंड दैट इज मैजिकल दट ओनली हैपन्स बिकॉज यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म विच एनेबल्स यू टू कनेक्ट विद सम इनक्रेडिबल पीपल तो वही है मतलब दैट इज द पावर ऑफ ट्विटर एवरी वन शुड बी ऑन ट्विटर इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन बिजनेस Ishan, do you feel so that you uh, sometimes attract a lot more hate than other creators? Absolutely, I do. And that is really good. That is important. Because hmm. if you're not attracting hate, then you're just you know, like if, even if you see like uh Abjatyo, hospital, you can see, life ki heartbeat So it's like this, right? So that is life. Like you're supposed to be like that. Like most people expect life to be like this. Hmm. straight line. Right, so obviously, there will be ups and downs, there will be people trolling you, but that tells that you are standing for something which few people agree and few people do not, and that is okay, mm. but I've also learned that in that the world is not ready for some truths, so everything which is truth is not meant to be spoken mm. and Everything which is spoken should be truth. Hmm. So, but any specific reason you feel so that it, it, it consistent hate? Hai. obviously love is also there, but why? Why are people so uncomfortable about your success? I think it's good to be hated because that also means that you are loved by some people, hmm. right? My, I was meeting someone every day, and they were all like, "I video. I video. I heard podcast. Suna, mein, help hoi. And so you will attract a lot of that type of people, but लाइक like, इंडिया में वो कल्चर है मेरे को लगता है जैसे हमने बताया स्टार्टिंग में कि वो क्राइम मैंटेटी है ऐसे मैंने टिपिंग कल्चर बने वीडियो बनाई वीडियो नहीं बनाई मैंने ट्वीट किया टिपिंग कल्चर के बारे में एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो फ्लाइंग बीस वीडियो बना रहे हैं उस पर लिखा हुआ है ऐसे मेरा फोटो डाला हुआ है, mm -hmm. है उस पर एक रेड क्रॉस लिखा हुआ है और लिखा चिंती यूट्यूबर क्या है उसमें ही हैज़ नॉट टॉक अबाउट मी इन जनरल बट जस्ट टॉक अबाउट टिपिंग कल्चर बट दैट जस्ट शोज कि इंडियंस इंडियंस को सपोर्ट नहीं कर सकते कभी राइट किसी शोर को सपोर्ट करना छोड़ो mm -hmm. तो वो ट जस्ट इट्सिव इम्पैक्ट अब कुछ नहीं आर बिल वॉज फोर्टी फाइव डॉलर एंड सो ही माई क्रेडिट कार्ड तो अच्छा आई ओलीफ्टी डॉलर मतलब ठीक है क्या दिक्कत है उसमें At least 10-20%, 20% 20 pay karna chai, that is customary. So bula, kya hota hai? Matlab, like it's up to us, right? Like if you want to pay. And like he's a student. So he should, he should not even be thinking about paying <laughs> the tip. But uh, he basically put in the $50 ka bill in that. And why? And uh, the the waitress just took the whole thing. <laughs> and uh bula, like we uh, want the change. So hmm. she was like, you know, that is tip. Bula, uh, what if I don't want to pay the tip? And she is like, no, you have to pay the tip. She he gets it and he is बोल के चली गई वो, भाग गई। Now, I don't have a problem with paying five dollars, hmm. right? That is not the point. And people say "Ki oh you're making so much, why can't you pay a five dollar tip? It is not about how much I make. It's about my choice. It's about my choice, hmm. right? And right. वहाँ पे वो culture इसीलिए है, because वहाँ पे एक rule है, वहाँ पे labour law ये कहता है कि अगर आप एक एक restaurant में काम कर रहे हो as a waiter, तो फिर आपको पंद्रह डॉलर जो मिनिमम वेज होती है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आप hmm. उसकी जगह पे आपको मिल सकता है टू डॉलर्स सो 2.15 डॉलर्स एवरी आर बिकॉज यूर आर वेटर एंड दे एक्सपेक्ट द रेस्ट टू बी कवर्ड बाई टिप्स आई एक्चुअली स्टडीड एवरीथिंग आई सर्च एवरीथिंग देर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके एंड दैट इज द सिस्टम दट दे हैव सो इट अ वे फॉर रेस्टोरेंट्स टू पे दैम टू डॉलर्स एन आर क्या होता है टू डॉर्स राइट इफ यू लिविंग इन न्यू एंड सो दे एक्सपेक्ट द रेस्ट वो भी कर्व बाई पीपल द टिप्स

रेसिस्ट कॉमेंट्स hmm. आप जापान जाते हो जापान में आप क्या देखोगे वहां पे यू कैनॉट टिप इट इज एन इंसल्ट इफ यू टिप समन बिकॉज ग्रेट सर्विस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम कि अच्छा आप यहाँ पे आयो यू हे फॉर सर्विस यू हे फॉर एन एक्सपीरियंस तो यू विल गेट अ गुड सर्विस एंड यूर पेंग फॉर दैट यूर पेइंग फॉर द हाई प्राइस ऑफ द फूड तो आपको सर्विस मिलेगी दैट इज नॉट देर एक्सपेक्टेड आप यूएस में देखो वहां पे दे आर एंटाइटल फॉर इट के अच्छा टिप तो, तो देनी चाहिए एंड दिस वॉज इन एक्सट्रीम वे क्योंकि वी वेंट टू बंगलो एन वाई सी विच द ब्रिलियंट रेस्टोरेंट एंड वहाँ पे द बिल हमने पूरा मेन्यू ऑर्डर कर दिया था hmm. बोला पूरा मेन्यू ले पाँच लोग थे हम बोले कि वील हैव द होल थिंग छे छे स्टार्टर आ रहे हैं छः सात मेन्स आ रहे हैं चार डेजर्ट आ रहे हैं उन्होंने बोला आपके लिए एक सीक्रेट डेजर्ट भी ला के देंगे जो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है हमारे मेन्यू <laughs> में वो आया इट वॉज टोटली सिक्स हंड्रेड डॉलर का बिल

फनी नो मतलब मैं पढ़ते नहीं कमेंट्स अभी आजकल तो फिर भी कभी तो पढ़ते हो गए uh, you know, बोलते हैं कि देश मनी ट्रू विच इज ट्रू इट मेक सेंस द हाइएस्ट सीपीएम ऑन यूट्यूब एट सेंस इज ऑन विडियोजाउट मनी विच आर अबाउट क्रेडिट कार्ड्स सो इफ एम मेकिंग अडियो अबाउट क्रेडिट कार्ड्स आई विल हैव द हाइस्ट सीपीएम द मोस्ट मनी बट सो वॉट माई रिप्लाई टू दो वॉट ठीक है द बेस्ट टू मेक मनी इज वेल अदर पीपल टू मेक मनी बट आपने वो बात बोले क्या उखाड़ लिया लाइक यू स्टिल राइट आप सोचो इसके बारे में कि ठीक है आपने ऑब्जर्व किया यू हैड एन ऑब्जर्वेशन कि अच्छा ये आपने कोड कर दिया

लाइक like, कुछ लोग होते हैं ना दैट दे प्रायोरिटाइज मनी एंड डोंट टेक केयर ऑफ लाइक द फैमिली इतना ज़्यादा एंड फिर आगे जा करके दे प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ एंड देयर फैमिली एंड आई हैव रियलाइज कि मतलब आप एंड में इतनी मेहनत कर रहे हो इतना हार्डवर्क कर रहे हो आप पैसा कमा रहे हो किसके लिए कमा रहे हो फॉर योर फैमिली सो योर फैमिली इज़ द थिंग विच मैटर्स अ लॉट मोर एंड रियलाइज दैट वंस इट इज़ टू लेट सो डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट What do you think about dating? So do you think that it comes between the career or you think that we can date someone while building a successful career or dating should be serious only or it can be casual as well? So what's your opinion about it? I know everything is right. Uh, or Maybe nothing is right, but what's your opinion about it? Yeah, I think it is a good way to learn about yourself. Hmm. It's a great way to learn about that you, you को बहुत कुछ सीखते हो खुद के बारे में वैन यू आर विद समन एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑब्वियसली इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अगर शुरू कर रहे हो अपना करियर तो आपको प्रॉब्ली अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बट फॉर मी मतलब आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लाइक फाइंड सम वन हु कैन बेसिकली अपलिफ्ट यू हु कैन रीअश्योर यू हु यू कैन जस्ट come and they would understand you and uh, like you're having a bad day you come home and you can just cry out loud and hmm. and you need someone and that is the best thing that you can do in life you've had a successful relationship Yeah, I think that is my personal matter. <laughs> I think uh, because you asked so many such questions to me when I was on your podcast. So मैंने पूछा देखा? Yeah. अच्छा. Yeah. <laughs> you even asked me about <laughs> शादी. शादी कब करनी है? So now Aise it's a personal matter. No, it's not <laughs> your personal matter. नहीं <laughs> नहीं. <laughs> so <laughs> I don't remember कब कब करा था मैं podcast. I think last year we did the podcast, right? हाँ. Uh -huh. uh -huh. Was, I guess it's hasn't happened yet. Ishaan has changed. Ishaan has evolved. Evolved. <laughs> Ishaan evolves <laughs> every 30 days. Every every 6, six, six months. Evolution. <laughs> but okay. So if, if you had a successful relationship in your life, then yeah. tell me that how to exactly build a successful relationship. It is all about communication. And uh, making sure that you are there for someone when they need you. <laughs> and uh, I think... यहाँ पे लाइक इन आर जनरेशन फिडेलिटी इज सच अ रेयर कॉन्सेप्ट एंड पीपल डोंट हैव इट एंड दट्स वाई यू सी ऑल द रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेज एंड इट्स रिजल्ट ऑफ पीपल कंपेयरिंग एंड थिंकिंग अच्छा ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड लाइक ग्रास इज ग्रीनर ऑन द साइड वेर यू वॉटर इट राइट बट लोग को वो नहीं लगता है ऐसा तो मतलब वो पीपल जस्ट कीप थिंकिंग ऑफ द वॉटअप्स ऐसे एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो द प्रॉब्लम विद ऑल दीज सीज इज दैट यू सी अभी वो कॉल मी बे करके आई है दि न्यू सीरीज बाय अनन्या पांडे एंड ऑल विच okay. यू कैन वॉच एंड उसमें वो दिखाते हैं कि शी वज एंट फीलिंग कनेक्टेड विद द हजबैंड बिकॉज ही वॉज आउटसाइड सो शी चीटेड ऑन ऑन हिम इज अंडरस्टैंडेबल बट शी शुड नॉट हैव चीटेड शी शुड हैव कम्युनिकेटेड एंड शू शुड डिवोर्स एंड देन डन शी वेड सो इट्स अ मैटर ऑफ इमेचोरिटी सो इफ यू जेनविनली डोंट फील कनेक्टेड विद समन शुड कम्युनिकेट यू शुड सेपरेट but you should not cheat right so shawn doesn't resonate with casual relationships the I mean, casual relationship and cheating are two separate things right okay cheating is something that is unacceptable to everyone casual is something that you and your partner knows that you don't want to commit so you're just no there. I'm not asking the definition i'm asking <laughs> i know <laughs> i thought like, from what i said you are concluding from that no no so I, I, I was just asking that it, as i said that it's not that it's right or it's wrong but what's your opinion i think uh, for me i value connection a lot more okay. right so hmm. to me it matters a lot i say on a random sunday bed, can about absolutely nothing without hmm. any agenda and can we just have a good time like hmm. we can just chill relax and generally feel that connection hmm how do you that's, manage that's how i think about it hmm. how do you what manage your you? money <laughs> 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 i've told enough stuff on this podcast you can go and watch that by <laughs> dodge kar diya aise question <laughs> 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 because now i put all of my effort into earning and but i think you should focus on that in your early years of your career but then once you are at a good level then you should focus on diversifying and investing properly Got it. but abhi i just focus on making as much as possible and putting the all of it into a uh, safe index fund give it back to your trolls anything you want to tell them nothing <laughs> <laughs> i think my my focus is just on delivering the most value that i that i can give and people will realize sooner or later hmm. so I'll, I'll read a few comments you can react okay okay let's start some people are saying people will listen to you if you look more manly so grow some beard <laughs> up to you the, no the answer should be that uh, i'm I'm doing pretty good without that i don't want to give it back Matlab, hai, I, hmm. I just think that is a good opinion to have but teak, I, I don't i just think that i have a preference and i go with that hmm. 20 year old from last three years so why do you make the, these clickbaity thumbnails wherein it's like that uh, make this much money as a 20 year old make this much i achieved this as a 20 year old any when i what time sir it's hmm. been a while and That's i why, do not do why that why you were doing it earlier it was naivety hmm. i learned i grew made a mistake people are calling you indian nas daily which i think is a compliment <laughs> yeah I think that आप किसी नई जगह पे जा रहे हो hmm. uh, तो वहाँ का कल्चर आपको सीखना चाहिए समझना चाहिए एंड yeah. आपको वहाँ पे उसके बारे में बात करनी चाहिए शेयर करना चाहिए राइट hmm. तो मैं जापान गया था तो वहां hmm. पे जो कल्चर है वहाँ पे लोगों का काम करने का आई मेड रील अबाउट दैट आई थिंक दट इज इंटरेस्टिंग दैट इज न्यू राइट मेरे hmm. कुछ नया सीखने को मिल रहा है मैं ट्रेवल कर रहा हूँ एंड इट इज इन द बिजनेस अप स्किलिंग लाइक ग्रोथ कॉन्सेप्ट तो मैं उसके बाद बना देता हूँ राइट आई वेंट टू न्यूयॉर्क आई मेड अबाउट आई टोल अबाउट रो

राइट सो यू नीट टू फर्स्ट थिंग कि आप किसी को किसी बड़े इंसान को रीच आउट कर रहे हो तो वॉट इज़ यू नीट फॉर दैम एंड जैसे आई रीच आउट टू कैरी वी एनी रिप्लाइड बैक अभी इफ़ यू विल सी माई चैट विथ हिम मैं उसको दो हज़ार उन्नीस से मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे पॉडकास्ट mm. करना है करना है फिर आई वॉज लाइक फाइनली कि अच्छा मैं यू एस आ रहा हूँ मुझे करना है पॉडकास्ट एंड आई वॉज एट अपेरेंटली आई वॉज एट आ स्टेज वेर ही थाट कि ठीक है दिस पर्सन इज वर्दी ऑफ माई टाइम Hmm. So then he replied back, and so okay. it, we made it happen. But but if you can see my chats with him, and you will see that, I'm, I'm against, I'm like after him. we should do a podcast. Hmm. So it, things just happen with that, and you meet people, you network with them, so you, you can very easily build your network. Like I was in a party with a friend who worked directly under Elon Musk. Okay. Right. So like my degree of separation with Elon Musk is just one that one friend, hmm. right? I I basically worked.

generic question don't look for advices <laughs> so this is the one advice that is the biggest advice don't look for advices don't look for motivation don't you're look for motivation motivated. if you want to be motivated then you should not do it hmm. if you're looking for someone to pat your back don't do it hmm. amazing it felt like i'm interrogated by fbi <laughs> <laughs> no but I had a really good time with you okay thank okay. you okay. bye, -bye. thank you thank you